घर में जवान बेटी सीने पर पत्थर की सिल की तरह होती है, बसंती का ब्याह हो जाए तो चैन की सांस लूं। दोस्तों, फिल्मी दुनिया में न जाने कितने ही कलाकार आए और चले गए, कुछ नाम कमा गए तो कुछ भुला दिए गए। कोई बड़े बड़े किरदार निभाकर भी पहचान नहीं बना पाया तो किसी ने छोटे छोटे किरदारों से हमेशा के लिए पहचान बना ली। एक ऐसी ही कलाकार थी लीला मिश्रा। अब इनको तो आप जानते ही होंगे, हरे फिल्म शोले की मौसी। पहचान गए ना? जी हाँ। अच्छा तो बेटा ये भी बताते जाओ कि तुम्हारे ये गुणवान दोस्त किस खानदान के हैं? बस मौसी, खानदान का पता चलते ही हम आपको खबर दे देंगे। फिल्म शोले ने ही लीला जी को मौसी के रूप में घर घर में मशहूर कर दिया था। तो आज हम बात करेंगे मौसी की। दोस्तों, फिल्म शोले का एक फेमस सीन तो आपको जरूर याद होगा, जब अमिताभ बच्चन वीरू का रिश्ता लेकर मौसी के पास जाते हैं। फिर भी तुम्हारे मुंह से उसके लिए तारीफ ही निकलती है। अब क्या करूं मौसी, मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है। और आज तक हम उस मौसी के किरदार को नहीं भूल पाए हैं। लेकिन उससे भी पहले दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैं छोटी थी तब मैंने एक फिल्म देखी थी नानी माँ, जिसमें इनका नानी माँ वाला किरदार देखकर हमें भी हमारी नानी की याद दिला देता है। अगर आपके भी बच्चे छोटे हैं तो उन्हें ये नानी माँ मूवी एक बार तो ज़रूर दिखानी चाहिए, क्योंकि इस मूवी में बच्चों को सिखाया गया है कि मेहनत करके रोटी खानी चाहिए। सचमुच ये बच्चों के लिए बहुत ही इंटरटेनमेंट मूवी है। ये मूवी देखकर मुझे तो बहुत ही मज़ा आया था। हाँ तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे फिल्म शोले की। जब वीरू पानी की टंकी पर खड़े होकर बसंती से शादी के लिए मौसी जी से पूछता है, ये सीन भला कौन भूल सकता है। दोस्तों, इनको आपने कभी माँ, मौसी, चाची, मामी और नानी का रोल करते हुए फिल्मों में जरूर देखा होगा। माँ, मुझे नाश्ता दे दो। लेकिन सबसे ज्यादा इन्हें लोग इनके असली नाम से कम और फिल्म शोले की मौसी जी के नाम से ज्यादा पहचानते हैं। अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री लीला मिश्रा का जन्म 1908 में उत्तर प्रदेश के रायबरेली के एक छोटे से गांव में हुआ था। लीला जी को शिक्षा दीक्षा नहीं मिल सकी थी क्योंकि उनके घर में लड़कियों को पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। उनकी शादी 12 साल की उम्र में ही मुख्य फिल्मों के कलाकार राम प्रसाद मिश्रा से कर दी गई थी। 17 साल की उम्र होते होते वो दो बच्चियों की माँ भी बन गई थी। रात को मेरे सपने में दादाजी आए थे। आए राम? हाँ, वो बोले कि वो चांदी की थाली में खाना खाया करते थे। लीला और उनके पति दोनों ही रायबरेली के जमींदार खानदान से ताल्लुक रखते थे। उसके बीच में सोना लगा है। मुझसे बोले आज से तू उसी चांदी की थाली में खाना खाया कर। अरे ये कौन सी बड़ी बात है, आज मैं तुझे उसी थाली में खाना दूंगी। लीला मिश्रा को फिल्मों में लाने वाले मामा शिंदे थे, जो दादा साहेब फाल्के की नासिक सिनेटोन के लिए काम किया करते थे। उन्होंने ही राम प्रसाद को मनाया कि लीला जी को फिल्मों में काम करना चाहिए क्योंकि लीला जी दिखने में बेहद खूबसूरत लगती हैं। उन दिनों फिल्मों में महिला कलाकारों की भारी कमी थी, महिलाओं का फिल्मों में काम करना सही नहीं माना जाता था। पुराणों में भक्त शबरी के बारे में लिखा है जो बहुत दयालु थी। आप भी बिल्कुल उसके जैसी दयालु है। अरे अरे कैसी बातें कर रहा है, कहां सबरी, कहां मैं, भला मेरा उसका क्या। खैर, राम प्रसाद इसके लिए राजी हो गए और एक अनुबंध पर दस्तखत कर दिए। जब शूटिंग के लिए दोनों नासिक पहुंचे तो उन्हें उनके काम की फीस से अवगत कराया गया, जिसमें राम प्रसाद की तनख्वाह 150 रुपये थी और लीला मिश्रा की 500 रुपये महीना थी। लीला जी की खूबसूरती को देखकर काम तो दे दिया गया था, लेकिन अब बारी थी स्क्रीन टेस्ट की। कैमरे के सामने आते ही लीला जी घबरा गई और ख़राब प्रदर्शन की वजह से उनके अनुबंध को रद्द कर दिया गया और लीला जी बाहर हो गई। खैर, लीला जी को अगला मौका मिला फिल्म भिखारन में काम करने का। ये फिल्म कोल्हापुर के महाराज की फिल्म कंपनी बना रही थी। हालांकि ये मौका भी उनके हाथ से निकल गया क्योंकि संवाद बोलते समय उन्हें अभिनेता के गले में बाहें डालने की ज़रूरत थी। किसी गैर मर्द की बाहों में बाहें डालना लीला जी को नागवार गुजरा और उन्होंने इस फिल्म को करने से भी इनकार कर दिया। ऐसी ही एक और घटना उनके साथ फिल्म होनहार में काम करते वक्त हुई। इस फिल्म में उन्हें शाहू मोदक के साथ हीरोइन बनाया गया था। फिल्म के एक सीन में उन्हें
हीरो शाहू मोदक को गले लगाना था, लेकिन लीला जी इसके लिए भी राजी नहीं हुई। चूंकि कंपनी कानूनी रूप से अनुबंध से बंधी हुई थी और फिल्म से लीला जी को बाहर नहीं कर सकी, जो उनके लिए वरदान साबित हुआ। कंपनी को एक्टिंग तो करानी ही थी, ऐसे में कंपनी ने उन्हें शाहू मोदक की माँ का किरदार थमा दिया। जियो मेरे लाल, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बस फिर क्या था, इस फिल्म ने उन्हें 18 साल की छोटी उम्र में ही माँ की भूमिका निभाने के लिए बॉलीवुड के दरवाजे खोल दिए। शुरुआत में उन्होंने अनमोल घड़ी, आवारा, लाजवंती वगैरह फिल्मों में काम किया। इसके अलावा इन्होंने कुछ भोजपुरी फिल्मों में भी हाथ आजमाया। उन्होंने सौम्य माँ, दुष्ट चाची से लेकर हास्य भूमिकाएं भी निभाईं। लीला जी को असली पहचान शोले ने दिलाई। इस फिल्म में लीला जी ने हेमा मालिनी की मौसी का किरदार निभाया था। हालांकि फिल्म शोले का तो हर किरदार ही अमर है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। दोस्तों, लीला जी खाने पीने की बहुत ज़्यादा शौकीन थी। उन्हें हल्का फुल्का सादा खाना अच्छा नहीं लगता था, वो पक्की रसोई खाती थी, खीर, पूरी, कचौरी। तो जाहिर है वज़न बढ़ना ही था। वो बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी, उनका वज़न बढ़ गया। दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि मोटापा सबसे बड़ी बीमारी है। अचानक उन्हें हार्ट अटैक आ गया और वो दुनिया छोड़कर चली गई 17 जनवरी 1988 में। बेटे, वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते, मगर अपने अपने मकाम पर, कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं।